आज कक्षा दसम के बच्चों के लिए है, गणित का पेपर है, देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा दस गणित OMR उत्तर पत्रक पद आधारित पेपर कोड, यस है, बहुत बच्चों का डिमांड था। सेट थ्री है ये, कौन सा सेट है? थ्री सेट है। ज्यादा प्रचार नहीं करना, यदि पहली बार आप आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए यह चैनल और यह वीडियो रामबाण है, समझ रहे हैं। पहले पूरा देखिए, निष्कर्ष हम नहीं पढ़ रहे हैं, निर्देश। खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न, दो संख्याओं का मासा 27 तथा उनका लासा 62 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या 31, मैंने टिक कर दिया है। परिमेय संख्या 4³/2⁴×5³³ का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के पश्चात शांत होगा? 3। बिंदु -6.8 की मूल बिंदु से दूरी 10। समरूप त्रिभुज, देख रहे ना, समरूप त्रिभुज ABC पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ 65 अंश में होगा। यदि 2cos θ का मान जब इसको हल करेंगे तो 20 अंश आएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9। यदि दो संख्याएं 7, 8, 11, 14 का माध्य यक्ष है तो यक्ष का मान 10। बिल्कुल ऐसे आप टिक नहीं लगा पाएंगे कौन सा ही है, जब आप हल करेंगे तब आप सही कर पाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बनाना है 10 मिनट के अंदर में, समझ रहे हैं। टिक करते चल रहा हूँ, देखना आप। यह द्विघात समीकरण AX²+BX+C=0 के मूल समान हो तो सी का मान B²/4A होगा, देख रहे हैं। इसको मैंने यहाँ हल किया है, देख लीजिए कैसे, इसी सूत्र में मैंने रखा है B²-4AC=0 तो B²/4AC तो बी अब यहाँ C=B²/4A, देख रहे हैं ना, हल किया गया है, ऐसे नहीं आ जाएगा। जमन जिसमें 65 कोड वाला जिसकी किया गया था 65 हल, सब सवाल को मैंने लगाया है तब हल टिक किया है, समझ रहे हैं ना। अगला है इसमें आपको, इसमें यक्ष का मान पूछ रहा है, मैंने यक्ष का मान नहीं निकाला क्योंकि न यक्ष का मान यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ लिखा नहीं गया, आपके सर जी सही कराएंगे। sin²·sec²θ का मान है, अब sin²·sec² का मान, अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले देखिए sin²θ·sec²θ बराबर होता है 1/cos²। अब साइन में 1 से गुणा करेंगे, sin²θ/cos², sin²θ/cos²θ=tan², यहाँ टिक कर दिया गया tan²। अगला है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है 47। n प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 2n+1। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार है कि कोण A=47 अंश, कोण E=83 अंश, तो कोण C का मान बिल्कुल दोनों जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद घटा दीजिए, जो आएगा 50 अंश आएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो उन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए 5 सेंटीमीटर। बिंदु 4-7 की वाई अक्ष से दूरी, वाई पूछा था यक्ष का मान होगा, यक्ष अक्ष से दूरी तो वाई का मान होता। एक दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई होगी 19 सेंटीमीटर। लेकिन कैसे, मैंने देखिए लगाया है पहले सवाल को, ये सीढ़ी है, ये दीवार है, ये सीढ़ी तिरछा है, यहाँ लगाया गया है, मान लीजिए ए भी दीवार है और ए यहाँ सी डी, ये जो है क्या है, सीढ़ी लगाई गई है। अब यहाँ ये क्या है, सीढ़ी से दीवार की दूरी 9.5 है तो कर्ण बटे आधार बराबर सेक 60 अंश, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में लिख के निकाला गया। x^9.5=2 क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया, x 2×10^18=19, मतलब 19 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, इस तरह हल करके लगाया गया, लेकिन हल नहीं बता पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अगला है, एक वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, इसको देख लीजिए मैंने कैसे लगाया है, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। इसके लिए आपको लगाना होगा, देख रहे हैं ना, आपको इसके में मैंने लगाया है कि कैसे लगाया है, आप हल कर लेंगे, देख रहे हैं ना, आप इसके लिए देख रहे हैं, मैंने हल कर दिया थोड़ा सा, परिमाप 2πr, क्षेत्रफल πr² मैंने हल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमाप और क्षेत्र बराबर है तो πs मैंने काट दिया, r² का r से काट दिया, बचा कितना यहाँ r = 2, त्रिज्या कितना होगा 2 होगा, मैंने यहाँ टिक किया है, देख लीजिए 2 पहले से। अब अगला है,
बिल्कुल छोड़ना नहीं है भी क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर कास था तो थीटा का मान 45 अंक, ये मैंने हल कर दिया। साइन अपान कास बराबर 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, तो साइन अपान कास बराबर 45, टैन थीटा बराबर 1। किस कोण के लिए टैन का मान 1 होता है? 45 अंश के लिए। साइन 15 अंश अपान कास 75 अंश का मान 1 होगा। समीकरण का एक मूल है तो अन्य मूल का भी उत्क्रम, इसका पूरा सवाल देखा आपने सर जी कुछ करेक्ट कराएंगे। वर्णात्मक प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा 17, 23, 29 के एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम 100 पर तक अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। के किस मान के लिए समीकरण 2x² - 60x k = 0 के मूल बराबर होंगे। जब आप इसको हल करेंगे 20² - 4ac = 0 में रखेंगे तो k का मान 8 आ जाएगा। समझ रहे हैं, जब आप इसका हल करेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 20² - 4ac = हल किया गया, k का मान 8 आया है। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, देखते रहिए, जल्द से जल्द हल करना है। ए साइन स्क्वायर 60 - cos² 30 अंश का मान 0 मैंने हल करके लिखा है, कैसे देख लीजिए इसका मान कैसे आएगा। यहाँ पर हल किया, साइन स्क्वायर 60 - cos² 30 अंश, साइन 60 अंश का मान √3.2 का होल स्क्वायर माइनस कास 30 अंश का मान √3.2 बराबर होता है, तो 3/4 - 3/4 बराबर 0/4 अर्थात 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी? 2√2 होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैंने रखा और हल किया, बिल्कुल आ गए सवाल आपका, देख रहे हैं ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए है, मैंने यहाँ पर रखा 2√2 आया है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, अगर हल करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। दिए गए चित्र ए कोण ए का मान ज्ञात करो यदि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण का दूना होता है। ये दूना है, आधा हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, तो यहाँ 60 अंश लिख दिया है मैंने, 60 अंश। अगला है, यदि कास ब्रेकेट के अंदर ए माइनस बी बराबर √3/2 साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 तो ए ग्रेटर बी, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए 45 अंश और 15 अंश। लेकिन कैसे लगाएंगे आप देखिए, हल करने का 6 नंबर का सवाल है। कास ए माइनस बी बराबर √3/2 तो कास ए माइनस बी बराबर ये किसका मान है? कास 30 अंश का मान है। अब दोनों पक्षों में कास से कास काट देंगे, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, और साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 तो साइन ए प्लस बी का मान ये किसका मान है? साइन 60 अंश का मान है, तो ए प्लस बी साइन काट दिया गया, ए प्लस बी 60 अंश, और पहला आया था ए माइनस बी 30 अंश, हल कर लिया गया 2a 90 अंश, ए बराबर 45 अंश, फिर मान रख दिया गया ए का मान 15 अंश। देख रहे हैं ना, अगला है तो कोई 5 खंड हल कीजिए, रैखिक समीकरण ए क्या है? विलोपन विषय रैखिक समीकरण हल करना है, बिल्कुल आप देख लीजिए यहाँ हल किया गया है, पूरा अपना देख लेंगे। वाई का मान 3, एक्स का मान 4 आया है। बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला आज सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। हमारे चैनल में आप जाएंगे ढूंढेंगे √3, 2, 5 सभी सिद्ध किया गया है, पहले से डाला गया है, अच्छी तरह समझाया गया है, कुछ असर आपके अंदर होना चाहिए, जरूर जाकर देखना, कमेंट करना। द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि वास्तविक हो तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करो। गा इसका कैसे करेंगे? b² - 4ac = 0 यहाँ रखा गया, देख रहे हैं तो कितना आया 49, और मैंने जोड़ा 49 और 72 को तो आ गया कितना 121 > 0। मूल वास्तविक होंगे, फिर समीकरण से हल कर लिया तो देख रहे हैं x - 1 और यहाँ पर कितना है 2/9, 2/9 x का मान और -1 - 1। देख अगला क्वेश्चन भाई क्या है? कह रहा है त्रिभुज, देख रहे हैं ना, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत इजी है, लेकिन बिना पढ़े आप नहीं हल कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ए आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज मैंने बनाया है, एक बी समकोण है, यहाँ 5 मैंने लिखा, यहाँ 12 लिखा, कर्ण का मान निकाला गया। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? एसी बराबर √ab का वर्ग बीसी का मान, 12 का वर्ग धन 12, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग 25 धन 144 169 का वर्ग मूल 13। अब कर्ण का मान पता होगा तीनों भुजा, तो साइन ए ऊपर वाला कोण पूछ रहा है तो चित्र पलट जाएगा, ए लंब जो है आधार हो जाएगा, आधार जो है लंब हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 हो गया, कर्ण 13, कर्ण अपनी जगह पर रहेगा। इसी तरह कास बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, आधार 5 हो जाएगा, कर्ण 13, टैन लंब बटे आधार, लंब टैन लंब बटे आधार, लंब 12
लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 5, तो 12/5, ये सब सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये प्रमेय है, अपने किताब से देख कर लिख देंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये चित्र में सवाल हल करना है। तीसरा सवाल देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1√1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर से के प्लस टाइन ए, मैंने इसको हल किया है। तीसरा क्वेश्चन, इसको पूरा दिखा रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का केवल सवाल देख रहे हैं, इसका हल आपको मिल जाएगा, दे रहा हूँ। पांचवा इसको दे रहा हूँ, सब हल सिद्ध करके ये देख लीजिए, एक तरफ से आपको छोड़ना नहीं है, ये देख रहे हैं ना, साइन वाला सवाल है ये तीसरा कक्का, देख रहे हैं ना पूरा हल किया गया है, इसी तरह लगाएंगे ऊपर नीचे गुणा किया गया है, 1 + sin 1 - 1 + sin a 1 + sin a से हल किया गया। फिर चौथा सवाल जो आया है, देख रहे हैं ना पूरा कैसे लिखा जाएगा, चित्र कैसे बनेगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं ना, आगे देखिए यहाँ से हल किया गया है, देख रहे हैं ना पूरा का पूरा आपको हल कर दे। फिर टावर की कुल ऊंचाई 19.12 मीटर, 1-2 मीटर। फिर माना कि वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष बाद रहमान किया, पूरा हल करते हुए देख रहे ना पूरा गुणनखंड बना, हल किया गया, तो देख रहे हैं x बराबर सात और x - 3, तो x का मान 7 सत्य है और ये अग्राह्य है, ये देख रहे हैं ना, तो कहने का मतलब हुआ ये देख रहे हैं ना हल किया गया है पूरा का पूरा आप इसका। ये दूसरा सवाल था, देख रहे ना इसी का था, अब एक आया था जांच भी मैंने कर दिया है इसका, देख रहे हैं एक्स का मान 1/4 और देख रहे हैं ना जो या देख रहे हैं एक्स का मान 7 है मान्य होगा, एक्स का मान -3 है अमान्य होगा, और जब इसको हल किया गया मतलब जांच किया गया उत्तर का, तो बिल्कुल या देखिए 1/3 आया हुआ है, पूरा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, पूरा पेपर आप देख लिए हैं, पूरा का पूरा सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई छूटा लग रहा हो तो पूरा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।